हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? मैं विश करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा खुश रहें और हेल्दी रहें। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, कैसी है सिचुएशन। थर्ड पार्टी यहाँ पर इनके आपके जो पर्सन हैं उनके फैमिली वाले हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, वर्क हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पर्सन ही हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है और थर्ड पार्टी के साथ भी क्या चल रहा है। तो यहाँ पर पाइल वन में जो है इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में आता है पाइल वन में, तो आप इसकी रीडिंग देखिए। तो इसमें जो नंबर्स लिखे हैं वो है 1, 2, 5, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 30। और पाइल टू की रीडिंग है, सॉरी, पाइल टू में जो लिखा है वो है 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 27, 29 और 31। तो आप देख लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ किस में आता है। जिसमें भी आता है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस पाइल के जो टाइम स्टैम्प्स हैं उसमें क्लिक करिए। तो मैं आपके रीडिंग में आपको मिलती हूँ। और आपको याद रखना है कि जनरल रीडिंग है तो हर पॉइंट रेजोनेट नहीं होगी, जो नहीं रेजोनेट होती है आप इग्नोर कर दीजिए उसे। ठीक है, सो मैं आपके रीडिंग में आपको मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने पाइल वन चूज किया है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स से आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है, फिर हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड मी। जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज किया है उनके और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, उनके और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, ग्रुप वन और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। फिर से, ग्रुप वन और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। पहला कार्ड यहाँ पर है किंग ऑफ क्लब्स, नाइन ऑफ क्लब्स, सिक्स ऑफ हार्ट, टेन ऑफ डायमंड, किंग ऑफ हार्ट और सेवन ऑफ डायमंड। आप ही आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं और एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मुझे यहाँ दिख रहा है। आप जिस इंसान को प्यार करते हो वो तो आपसे इस वक्त दूर है। ठीक है, तो ये कार्ड से ही बता रहा है कि अभी दूर है। आप दोनों के बीच में दूरियों की वजह जो है वो है सोशल रीजंस, आप दोनों का स्टेटस या फिर आप दोनों का रिलीजियन, ये सारी चीज़ें हैं। आप और आपके पर्सन दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इन्होंने हो सकता है पैसों की वजह से या अपने करियर की वजह से, अपने फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हुआ है। पर डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि इनके दिल में प्यार नहीं है। इनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रांग इमोशंस है और ये जो है आपके साथ जो इमोशनल कनेक्शन है उसमें एफर्ट करना चाहते हैं। पर ऐसा लग रहा है कि बीच में बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं क्योंकि इनको अपने फाइनेंसेस का भी देखना होता है, फिर आपके बारे में भी सोच रहे हैं। मीन्स इनका दिल जो है वो आपके तरफ रहता है पर इनका जो दिमाग है वो हमेशा काम और इन चीज़ों के तरफ रहता है। आपसे हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है और बात ना होने का रीजन ये है कि आप ही इनसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है। चलिए आप देखते हैं आपके पर्सन और क्या फील करते हैं आपके लिए, उसके बाद हम बाद में थर्ड पार्टी की देखेंगे। ठीक है, जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज किया है उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं।
वर्थ वेटिंग फॉर, ट्रू लव, यहाँ पर है पास्ट लाइफ कनेक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास्ट लवर हो सकते हैं, ये अभी भी आपके लिए वेट कर रहे हैं, ये इस रिलेशनशिप में एफर्ट करना चाहते हैं, अपने तरफ से चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन। इनको ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, पर ऐसा दिख रहा है अनरिक्विटेड लव। उन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि शायद आप उनके लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, आपने उनसे हो सकता है दूरियां बना ली है, बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आप इनको शो नहीं कर रहे हैं कि अभी आप इन्हें चाहते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इस वजह से ही आप दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, और भी देख लेते हैं टैरो से। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज किया है उनके पर्सन और उनके बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। वन और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। यहाँ पर है वर्ल्ड और फोर ऑफ सोर्ड, वन और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। तो वन और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या एनर्जीज है, क्या चल रहा है, काफी सारे कलर है। ग्रुप वन और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, एंजल्स प्लीज गाइड मी। ग्रुप वन और उनके पर्सन के बीच में वन मोर कार्ड, प्लीज प्रोवाइड वन मोर कार्ड। वन और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। यहाँ जो कार्ड्स आए हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, सिक्स ऑफ कप्स आया है और सिक्स ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स, वर्ल्ड, यहाँ पर है फोर ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और फूल। जैसे हमें पहले ही आ चुका है कि आपके पर्सन इस वक्त जो है वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, पुरानी चीजों को याद कर रहे हैं, आपको अपना सोलमेट समझते हैं और आपके लिए ही वेट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा भी ये नजर आ रहा है कि इस वक्त आप लोग के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां हैं, हो सकता है आप लोग बहुत डिस्टेंस में रहते हैं। आप अगर मतलब स्टेट वाइज आप लोग काफी दूसरे स्टेट में रहते हैं या दूसरे कंट्री में रहते हैं, और एक ही कनेक्शन है आप लोग के बीच में ऑनलाइन के थ्रू। आप लोग हो सकता है कि पास्ट में मिले थे कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या फिर आपके पर्सन सिर्फ आपके बारे में ऑनलाइन ही पता कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ही आपके बारे में पता कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर है सिक्स ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ सोर्ड, तो वो इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि आपका सपोर्ट मिले, पर ऐसा दिख रहा है कि किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है। हो सकता है आपने ही अपने पर्सन को इस वक्त ब्लॉक करके रखा हो, या फिर आप कोई भी एक्शन नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस वक्त कुछ लोगों के लिए डिप्रेशन में भी दिख रहे हैं। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप से अभी आगे बढ़ चुके हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं इस रिलेशनशिप से, और मुझे ऐसे भी एनर्जीज आ रही है कि आपके ये जो रिलेशनशिप में जो इतना ड्रामा चल रहा था उसकी वजह से आप वो चीज़ और सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ना ही बेहतर समझा। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन के बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज रहे थे, जिसकी वजह से आपने इनको, या तो हो सकता है कहा हो कि अपने ईगो को लेके रहो, मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, इस तरीके की चीजें भी
आपने हो सकता है कही हो, तो आप इस रिलेशनशिप से अब आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि आप इसे हैंडल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपके दिल में प्यार है इस इंसान के लिए, चाहे आप इनको शो करें या ना करें, आपके दिल में है प्यार, पर आप मूव ऑन कर चुके हैं। यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और फूल है, दोबारा आपके पर्सन वही चाहते हैं कि आप जो यहाँ चले गए हो वो उन्हें बिल्कुल अखर रहा है, क्योंकि पहले आप उनको बहुत ज़्यादा केयर करते थे, बहुत इन्हें अपना प्यार दिखाते थे, सपोर्ट दिखाते थे, तो अब जो आप उनसे दूर हो चुके हो, तो अब आपके पर्सन चाहते हैं कि वो भी आपको वो इक्वली उतना ही प्यार दे जो कभी आपने दिया था। तो बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी मिलती है, एक पीस मिलता है जब वो आपके साथ, जब उनकी बातें होती है आपके साथ, जब रिलेशनशिप था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन फील करते हैं, वो इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नई बिगनिंग आपके साथ करने के बारे में सोच रहे हैं, जो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी उसे वो दोबारा शुरू करना चाह रहे हैं। उनको भी कहीं ना कहीं ये रियलाइज होता है कि उनके ईगो की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, या उनके जो करियर है उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स पास्ट में आप दोनों के बीच में आई थी। एंड ऑफ द डेक भी यहाँ है, फोर ऑफ वैंड सन, ये इंसान आपसे बहुत आपको चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। हो सकता है इनके स्टेटस आप दोनों के बीच में मेन प्रॉब्लम रही हो, आपके साथ जो वो खुशी फील करते हैं वो शायद ही किसी और के प्रेजेंस से फील करते हैं, क्योंकि आपको प्यार करते हैं, आपकी तरफ प्यार का ऑफर लेकर आना चाहते हैं। जो सिचुएशन बहुत टाइम से रुकी हुई थी वो सारी चीज़ें आपके पर्सन ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए है इनके फीलिंग्स। अब हम देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं। देखते हैं एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, वर्क हो सकता है, या कोई पर्सन हो सकते हैं, या फैमिली हो सकती है। थर्ड पार्टी और ग्रुप वन के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अभी क्या सिचुएशन है, ग्रुप वन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है। ग्रुप वन जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके और थर्ड पार्टी के, उनके थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। यहाँ है फोर ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ क्लब्स, एस ऑफ स्पेड, सेवन ऑफ डायमंड, जैक ऑफ हार्ट और एट ऑफ हार्ट, ठीक है। और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में ऐसा दिख रहा है कि अभी आप लोग के बीच में हो सकता है थर्ड पार्टी जो है इनकी फैमिली हो सकती है, या स्टेटस इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोई पर्सन भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ क्लब्स निकल के आया है, ये हो सकता है इनकी मदर हो, या फिर क्योंकि जैक ऑफ हार्ट के साथ आया है तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई इनका कोई ऐसा पर्सन जो इन्हें चाहता है। तो आपके पर्सन अभी जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस में है, एस ऑफ स्पेड ये बता रहा है विद एट ऑफ हार्ट, मीन्स अभी आपके पर्सन उस एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से निभा रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में है, वो उन्हें उतना प्यार नहीं फील कर पाते हैं जितना कि वो आपके लिए फील करते हैं। यहाँ पर जैक ऑफ हार्ट के साथ है, मतलब कि जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है और बहुत ज़्यादा प्यार शो करती है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं। पर आपके पर्सन जो है वो ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में सोसाइटी की वजह से स्टक फील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन और आपके थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड मी।
शफल कर लेते हैं एक बार। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज किया है उनके पर्सन और उनके थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ग्रुप वन के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, एंजल्स प्लीज गाइड मी। देखिए मुझे यहाँ पर एक और चीज नजर आई जो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो ये है कि आपके जो पर्सन हैं, हो सकता है इनकी जो मदर है वो उनसे भी काफी अटैच्ड हैं, जिसकी वजह से वो आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो चाहते हैं, पर सोशल रीजंस की वजह से या फैमिली के प्रेशर में आके वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आया है डेथ, वो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल कट करना चाहते हैं। वन के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, एंजल्स प्लीज गाइड मी। यहाँ पर है जजमेंट, वन के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त, क्या चल रहा है ग्रुप वन और थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, इंग्लिश प्लीज गाइड मी। ग्रुप वन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, लवर्स, देखते हैं अभी इसका मीनिंग क्या है। ग्रुप वन और ग्रुप वन के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, फोर ऑफ सोर्ड, यहाँ पर है फाइव ऑफ वैंड, और एट ऑफ पेंटिकल्स, एंड ऑफ द डेक है टू ऑफ सोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, बहुत ज्यादा उन लोग के बीच में लड़ाइयाँ होती है, और लड़ाई जो होती है वो होती है पास्ट की बातों को लेकर, पास्ट की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी की लड़ाई होती है। ठीक है, अगर आपके जो थर्ड पार्टी जो है, अगर आप उनके पेरेंट्स हैं, तो आपके लिए हो सकता है आपके पर्सन लड़ते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, हो सकता है कि मनाने के लिए कि वो आपको प्यार करते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, वो चीज़ें बताते हैं। उनको बिल्कुल यहाँ डिप्रेशन फील होता है, उनको लगता है कि वो एंड कर दे थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप। देखिए यहाँ क्या कर जाए, फोर डेथ और फोर ऑफ सोर्ड्स, वो बिल्कुल ही खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, उनको लग रहा है किसी तरीके से उस सिचुएशन से बाहर आ जाए, क्योंकि इन्हें ये जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा इन्हें डिफिकल्ट लग रहा है। अगर कोई थर्ड पर्सन भी है तो जैसे मैंने बताया कि पास्ट की बातों को लेके थर्ड पार्टी के साथ इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, शायद थर्ड पार्टी इन्हें परेशान करती है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाने के लिए पूरी तरीके से अपना फोकस अपने काम पर लगा देते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से अपने वर्क में लगा देते हैं आपके पर्सन। साथ में ऐसा दिख रहा है कि जो लवर्स का कार्ड यहाँ कवर करता है वो एट ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को जो मुझे यहाँ दिख रहा है कि काम में ही फोकस कर दिया है। यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ ये बता रहा है कि दोनों के बीच में इस वक्त कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, इमोशनल डिसकनेक्शन फील करते हैं। ठीक है, कोई भी इमोशनल फीलिंग नहीं फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद दोनों बात भी नहीं करते होंगे ढंग से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आपके पर्सन इस तरीके की फीलिंग्स अभी फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। और हम देखते हैं रोमांस एंजल से, तो रोमांस एंजल से देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज किया है उनके पर्सन और
उनके थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। यहाँ पर है ट्रस्ट, वन पर्सन और उनके थर्ड पार्टी के बीच में अनरिक्विटेड लव, पास्ट लाइफ कनेक्शन। ठीक है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं। हो सकता है जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के ऊपर विश्वास नहीं करती है, जैसे मैंने बताया आपको कि पुराने चीजों को लेकर जो है बहुत ज्यादा उनके बीच में लड़ाई होती है। साथ में अनरिक्विटेड लव है, मीन्स हो सकता है थर्ड पार्टी उन्हें बहुत ज्यादा चाहती है आपके पर्सन को, पर आपके पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप में। उनको ऐसा लगता है कि ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है जिसकी वजह से ये जो थर्ड पार्टी है उनके लाइफ में आई है, ऐसा भी आपके पर्सन फील करते हैं। कोई हो सकता है कार्मिक रिलेशनशिप है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज, जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में, जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। योर ड्रीम्स नीड अ पर्टिकुलर प्लान, तो आपको एंजल्स का ये गाइडेंस है कि जो भी आपने इस सिचुएशन में जो भी सपने देखे हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिकली कुछ प्लान्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन और आपके बीच में यूनियन हो तो कुछ ना कुछ आपके पास, सिर्फ आप सपने मत देखिए, आपको प्लानिंग भी करना जरूरी है, अपने तरफ से एफर्ट भी आपको करना होगा। और क्या गाइडेंस है, एंजल्स प्लीज प्रोवाइड गाइडेंस फॉर ग्रुप वन। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है, ये कार्ड आया और देखते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है कि इस वक्त आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं। आपको, आप सोचते हो कि आप जो सोच रहे हो इस पर्सन से रिलेटेड वो चीजें पूरी नहीं हो पाएगी, तो आप खुद को ऐसा लग रहा है मुझे लो सेल्फ एस्टीम में आप रख रहे हो। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं शो द वर्ल्ड द रियल यू, मीन्स आप में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज है, आप वो खुद के अंदर पहचानिए और अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको आप हटाने की कोशिश कीजिए, और जो भी आपने सपने देखे हैं उसे पूरा करने के लिए आप कुछ प्रैक्टिकल सॉलिड प्लान आपको बनाना होगा। और है यहाँ पर वर्क थ्रू योर फियर्स, जो भी आपके दिल में मन में जो है डर है उसको भी आपको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग, जिन्होंने ग्रुप वन चूज किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप आपको ये रेजोनेट हुई होगी, सो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने कि पाइल टू सिलेक्ट किया है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के, आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है, उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। जिन्होंने भी पाइल टू सिलेक्ट किया है उनके और उनके पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है। पाइल टू सिलेक्ट किया उनके और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। सेवन ऑफ डायमंड, थ्री ऑफ हार्ट, एट ऑफ हार्ट, एट ऑफ क्लब, टू ऑफ डायमंड और एट ऑफ डायमंड।
आप या आपके पर्सन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। आपके पर्सन मुझे, आप और आपके पर्सन जो है, आप दोनों के बीच में ऐसा मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं कि दोनों के बीच में प्यार है। दोनों हो सकता है ऑलरेडी आप भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप दोनों केयरफुल है कि ये इस रिलेशनशिप के बारे में किसी और को ना पता चल जाए। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक सिनेरियो मुझे दिख रहा है। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि इस वक्त आप दोनों ही अपने वर्क में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आप लोग दोनों ही जो है अपने काम में मुझे यहाँ बिजी दिख रहे हो। विथ थ्री ऑफ हार्ट विथ एंड टू ऑफ डायमंड का जो कार्ड है ये बता रहा है कि दोनों ही इस वक्त हो सकता है अलग हो और रिकंसिलिएशन चाहते हो, और अगर अलग नहीं हो तो भी यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियल पार्टनरशिप है। आप दोनों हो सकता है एक ही साथ काम करते हो, एक ही साथ बिजनेस करते हो, इस तरीके की चीजें हो सकती है। तो आप दोनों के बीच में ही प्यार है, पर थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर आपके भी कार्ड्स में दिख रही है। ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में म्यूचुअल लव मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप जैसे प्यार करते हो आपके पर्सन भी आपको वैसे ही प्यार करते हैं, और आपके साथ क्योंकि थ्री ऑफ हार्ट है तो बहुत ज़्यादा ऐसे मुझे एनर्जीज आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करते हो कि आप दोनों साथ में हो और लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ें आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इमेजिन करते हो। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप टू चूज किया है उनके और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। एक्सप्रेस योर लव, लव योर सेल्फ फर्स्ट, ग्रुप वन, सॉरी ग्रुप टू और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, एंगेजमेंट, इस वक्त क्या चल रहा है, कोडिपेंडेंसी, ठीक है। आप दोनों के बीच में ऐसा चल रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से। हो सकता है आपके पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, या फिर खुद से आगे बढ़ के आपके पर्सन ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो आपके साथ इमेजिनेशन करते हैं कि आप दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन हो जाए। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ की बहुत ज़्यादा केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी आप दोनों ही सिंगल हो, तब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन के जो थर्ड पार्टी हैं यहाँ, इनका आप दोनों के बीच में स्टेटस का प्रॉब्लम हो सकता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो एक दूसरे से प्यार नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं आप दोनों, और सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एंगेजमेंट का जो कार्ड है, आपके पर्सन आपके साथ कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक हायर लेवल का कमिटमेंट, आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी है क्योंकि आपके बारे में सोचते हुए बहुत ज़्यादा खुद को एडिक्टेड सा भी फील करते हैं, या कोडिपेंडेंट टाइप का ये रिलेशनशिप भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में एंगेज्ड है, और उस या फिर आप एंगेज्ड हो, जिसकी वजह से ये सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से अपना जो फीलिंग्स है, अपने फीलिंग्स है, वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने ग्रुप टू चूज किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप टू चूज किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जिन्होंने भी ग्रुप टू चूज किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं।
यहाँ पर है सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड, एट ऑफ वैंड्स, क्वेश्चन उनके लिए इसको क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है जजमेंट, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, यहाँ पर है एट ऑफ कप्स, एक मिनट, एंड ऑफ द डेक है फोर ऑफ वैंड्स। तो आपके पर्सन यहाँ फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया है विद सेवन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे, तो ये बता रहा है कि उनको खुद, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनको हो सकता है पास्ट में, फाइव ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है ये मुझे ये बता रही है कि हो सकता है ये बहुत ज्यादा खुद को लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। इनके लाइफ में कुछ ना कुछ सफरिंग या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चल रही है करेंटली, जिसकी वजह से खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, और उनको ऐसा मन हो रहा है कि वो आपके साथ बात करें इन चीजों के बारे में। ठीक है, वो आपके साथ कम्युनिकेट करने का उनको इस वक्त बहुत ज्यादा मन कर रहा है, पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते हैं। हो सकता है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है इस सिचुएशन में, क्या वो आपको कांटेक्ट करे, क्या ये सही होगा। तो इस तरीके की चीजें आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चल रही है इस वक्त। ठीक है, तो यहाँ पर है सेवन ऑफ सोर्ड्स और एट ऑफ कप्स। यहाँ ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपने फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हैं, वो अपने फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, और इसी वजह से हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ गए हो। या फिर मुझे यहाँ और एक चीज नजर आ रही है, पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने आपको अकेला छोड़ दिया था रिलेशनशिप में, और अचानक से बात करना आपसे बंद कर दिया था, और बिल्कुल अचानक से ऐसा किया था कि छोड़ दिया था आपको अकेला। अब ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि उन्होंने जो चीजें पास्ट में की थी उन चीजों की उन्हें गलती का एहसास हो रहा है, और उन्हें इस वक्त जो तकलीफ हो रही है, उनको तकलीफ हो रही है जो यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं। साथ में जो उन्होंने धोखा दिया था थर्ड पार्टी के लिए, हो सकता है आपको, अब वो उस रिलेशनशिप में भी अनसेटिस्फाइड है। ठीक है, उस रिलेशनशिप में अनसेटिस्फाइड है आपके पर्सन, तो इस वजह से इन्होंने या आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है। अब दोनों हो सकता है कि इसी पर्सन से आप मैरिड हो, और आप अपने पार्टनर के बारे में देख रहे हैं जो कि थर्ड पार्टी में चले गए हैं। तो ये जो पर्सन है ये आपको डिसीप्शन देके, हो सकता है किसी और के पास चले गए हों, और पास्ट में भी इन्होंने इस तरीके से कुछ किया था, पर अब इनको ऐसा, मुझे ये जो सेवन ऑफ कप्स विथ जस्टिस कार्ड है ये बता रहा है कि इनको कुछ ना कुछ रियलाइज हो रहा है अब जो अपनी गलतियों का। ये इमेजिनेशन करते हैं कि आप दोनों के बीच में अब रिकंसिलिएशन हो जाए, इस तरीके की चीजें आपके पर्सन सोच रहे हैं, पर उनको ये डर है कि अगर वो रिस्क लेंगे तो शायद आप उन्हें ब्लॉक कर दोगे, बहुत ज्यादा इनकी इंसल्ट करोगे, इस तरीके की फीलिंग्स इनके दिल में आ रही है। आप बहुत इस वक्त चेंज हो चुके हो, उनको ऐसा भी लगता है। तो देखिए कैसे कार्ड्स आए हैं यहाँ, हर्मिट, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, मतलब ये कार्ड्स बता रहे हैं कि उनके दिल में इतने ज्यादा नेगेटिव फीलिंग्स हैं इस वक्त कि उन्हें लगता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि जब आपको जरूरत थी हो सकता है ये आपको छोड़ के चले गए थे, या इन्होंने कोई भी बोल्ड स्टेप नहीं उठाया, अपने फीलिंग्स नहीं बताए, इस तरीके की चीजें की थी। तो ये इंसान जो है ये मन ही मन चाहते हैं कि आपके साथ रिकंसिलिएशन हो जाए, पर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको फियर है रिजेक्शन का। इनको लगता है कि अगर आपसे ये बात करेंगे तो आप इनका फोन कट कर दोगे, या फिर ब्लॉक कर दोगे, या आप इनसे बात ही नहीं करना चाहते। इस तरीके की फीलिंग्स आपके पर्सन के दिल में इस वक्त चल रही है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है।
एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। जो भी रीडिंग देख रहे हैं जिन्होंने पाइल टू चूज किया है उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ग्रुप टू और ग्रुप टू के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। फोर ऑफ क्लब्स, क्वीन ऑफ स्पेड, एस ऑफ डायमंड, सेवन ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ क्लब्स, सिक्स ऑफ क्लब। ठीक है, तो इनके बीच का हो सकता है ये हाल ही फिलहाल का रिलेशनशिप हो, मीन्स बहुत न्यू रिलेशनशिप हो सकता है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। तो आपके पर्सन जो है ऐसा मुझे दिख रहा है कि कूल डाउन हो चुके हैं इमोशंस थर्ड पार्टी के लिए, इनके दिल में इमोशंस जो है कूल डाउन हो चुके हैं। अभी शायद बात भी नहीं होती होगी थर्ड पार्टी के साथ और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं थर्ड पार्टी की बातें सुन के, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी हो सकता है कि सिचुएशन उनके लाइफ में जो भी इस वक्त सिचुएशन है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है या करती है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी से आपके पर्सन परेशान हैं। ठीक है, अगर आपके पर्सन और आप दोनों सिंगल हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बता रही हूँ उसमें क्या है थर्ड पार्टी। उसमें थर्ड पार्टी ये है कि आपके जो पर्सन हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं उनके पेरेंट्स से, उनके फैमिली से। ठीक है, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्पेड विथ क्वीन ऑफ क्लब्स। क्वीन ऑफ स्पेड विथ क्वीन ऑफ क्लब्स ऐसा बता रहा है, अगर आप दोनों ही सिंगल हैं तो ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो किसी डोमिनेटिंग पर्सन हो सकते हैं उनके लाइफ में, हो सकता है उनकी मदर हो, उनके फादर हो, उनको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में यूनियन हो जाए, क्योंकि ये प्रॉपरली सब कुछ प्लान करके अपने पेरेंट्स को मना के फिर आपसे मैरिज करना चाहते हैं और फिर आपको एक सॉलिड ऑफर आपके पर्सन देना चाहते हैं। थर्ड पार्टी को काफ़ी तरीके से आपके पर्सन थ्रू कम्युनिकेशन बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी है जो कि कोई दूसरा पर्सन है, तो जैसे मैंने बताया कि ये थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि इन्होंने मैरिज भी कर ली है, पर अब इनके इमोशंस थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल कूल डाउन हो चुके हैं। अब ये थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी मन ही मन जो है एक्चुअल में पसंद नहीं करते, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है हो सकता है रूडली इनसे बात करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है या करता है, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो इनके लाइफ से जो है वो पैशन जो है प्यार के प्रति जो एक पैशन है वो इन थर्ड पार्टी के साथ इस वक्त आपके पर्सन नहीं फील कर रहे हैं, फिर भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, कोशिश करते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, बातें करके ठीक करने की कोशिश करते हैं, हर बार नई शुरुआत करते हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी या तो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है या फिर इन दोनों के बीच में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स इस वक्त चल रही है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं जिन्होंने ग्रुप टू चूज किया है उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, ये पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त। यहाँ पर एक्सप्रेस योर लव, पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, टू और थर्ड पार्टी के बीच में, ग्रुप टू के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, ट्रू लव,
व्हाट इज ट्रू लव कार्ड रिप्रेजेंटिंग हियर, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स. ठीक है, यहाँ पर है सेपरेशन. तो थर्ड पार्टी के साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने बताया आपके पर्सन हमेशा कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो ठीक हो जाए, पर वो अपने फ्रेंड्स और जो बाकी जो भी उनके पहचान के हैं रिलेटिव्स, उनसे भी सलाह लेते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए. उनको ऐसा लगता है जो भी उनको फर्स्ट शुरुआत में लगा था ये जो थर्ड पार्टी के साथ, बिल्कुल उन्हें ऐसा फील हुआ था जैसे ये इनका रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम है, बहुत सच्चा प्यार फील करते थे. पर उनका जो ये भ्रम है ये लग रहा है टूट गया है, क्योंकि मैंने इसको ट्रू लव को क्लैरिफाई करने के लिए ये कार्ड आया है. तो पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, तो उनको बिल्कुल भी इस वक्त लग रहा है कि नहीं, ये रिलेशनशिप वर्थ इट नहीं है. वो इस थर्ड पार्टी के साथ यहाँ सेपरेशन लेना चाहते हैं. ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में और क्या चल रहा है. एंजल्स प्लीज गाइड मी. ठीक है, अगर आप दोनों सिंगल हैं तो यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स और फैमिली फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा मदद ले रहे हैं, जो भी इनके नियर डियर हैं उनकी मदद ले रहे हैं, जिससे कि अपने पेरेंट्स को समझा पाए कि वो आपको कितना चाहते हैं. पर हो सकता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पर उन्हें ये रिलेशनशिप इसलिए एंड करना पड़ रहा है क्योंकि जो थर्ड पार्टी है जो उनके पेरेंट्स है वो नहीं मान रहे हैं, इस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन है. चलिए और देखते हैं ग्रुप टू. ग्रुप टू जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है. एंजल्स प्लीज गाइड मी. ग्रुप टू के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है. ग्रुप टू के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है. ग्रुप टू के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है. एंजल्स प्लीज गाइड मी. पहला कार्ड है यहाँ फोर ऑफ कप्स. ग्रुप टू के पर्सन और उनके थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है. एंजल्स फोर ऑफ वैंड्स. यहाँ पर है चैरियट. थ्री मोर कार्ड्स. ग्रुप टू और ग्रुप टू के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है. नाइन ऑफ पेंटिकल्स. नाइट ऑफ सोर्ड. यहाँ पर है सिक्स ऑफ पेन. एंड ऑफ द डेक है टू ऑफ पेंटिकल्स. अभी इनके दिमाग में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस चल रहे हैं. इनको नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए. ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ. बहुत ज्यादा दो दो इमोशंस चल रहे हैं. हो सकता है इनके लाइफ में बहुत ज्यादा अभी इस वक्त स्ट्रगल चल रहा है और चीजों को खुद हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है. अभी काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि यहाँ सिंगल हैं, जो कि अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं. अभी आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा खुद को अकेला फील कर रहे हैं और आपके बारे में ही सोच रहे हैं. हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी उन्हें और भी चीजें ऑफर कर रही है. हो सकता है उनके पेरेंट्स उनके लिए नए नए रिश्ते ला रहे हैं, पर आपके पर्सन का ध्यान सिर्फ आप ही के तरफ है. वो आपके अलावा किसी और से मैरिज नहीं करना चाहते. वो सिंगल रहना बेहतर फील कर रहे हैं, पर किसी दूसरे रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहे हैं. ठीक है, अगर आपके पर्सन आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, मीन्स अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड पर्सन से या फिर किसी थर्ड पार्टी में आपके पर्सन चले गए हैं, किसी थर्ड पर्सन के पास चले गए हैं, तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को रियलाइज हुआ है कि उनकी जो मिस्टेक्स थी पास्ट की, और वो थर्ड पार्टी उन्हें प्यार ऑफर कर रही है पर आपके पर्सन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. और वो एक ऐसा दिख रहा है कि अभी बहुत ज्यादा खुद के बारे में सोच रहे हैं, वो थर्ड पार्टी को लेकर इतने ज्यादा फोकस्ड नहीं है.
यहाँ पर फोर ऑफ वैंड्स है और नाइट ऑफ सोर्ड्स है। उनको लगता है इन्होंने बहुत क्विक डिसीजन लिया बिना सोचे समझे। हो सकता है थर्ड पार्टी से मैरिज कर ली या फिर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप बना लिया। तो इनको लगता है इन्होंने बहुत हड़बड़ी में बहुत सारी गलतियां कर दी है, ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं। पर अब ये अपने लाइफ में इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी प्लेइंग कार्ड्स में आया था कि ये फिर भी अपने तरफ से हमेशा एफर्ट करते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है टू ऑफ पेंटिकल्स जो ओवरऑल एनर्जी यही बता रहा है कि अभी आपके पर्सन के दिमाग में दो दो थॉट्स, कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स चल रहे हैं। उनको नहीं पता है इस वक्त कि वो किस डायरेक्शन में जाए। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी ग्रुप टू चूज किए हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, इस सिचुएशन से रिलेटेड ग्रुप टू चूज किए हैं उनके लाइफ में क्या क्या गाइडेंस है। वॉट डू यू नीड टू रिलीज, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। ठीक है, आपके लिए मैसेज आया है कि आपके लिए जो भी चीज सर्व नहीं करती है आप उसको रिलीज कर दीजिए, ठीक है। और जब आप रिलीज कर देंगे उस चीज के बारे में नहीं सोचेंगे तभी उसमें एक पावरफुल चेंजेस आएगा अचानक से। जब आप चाहेंगे तब नहीं होगा, पर जब आप सोचे नहीं होंगे कि ऐसा हो कुछ चेंजेस आ जाएगा पॉजिटिव तभी कुछ चेंज होगा। तो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो कुछ ना कुछ पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं, तो आप रेडी हो जाइए। पर जरूरी है कि आप चीजों को रिलीज करें, जो भी आपको सर्व नहीं करता है उन चीजों को रिलीज करिए। सोचने से क्या होगा, ठीक है, सोचने से कुछ भी नहीं हो सकता है। ए फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, द एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस। अभी जो भी पास्ट में आप लोग के बीच में टफ सिचुएशन थी वो सब कुछ ठीक होने वाली है। हो सकता है कुछ फायरी जो फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस का जो कार्ड आया है वो बता रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि अचानक से होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, आपने सोचा नहीं होगा तब होगा। तो जो भी आपके लाइफ में टफ सिचुएशन चल रही थी वो अब ठीक होने के कगार पे है, तो पेशेंट रहिए, ठीक है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने पाइल टू चूज की थी। होप आपको ये रेजोनेट हुई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।